हेलो स्कॉर्पियो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है तो चलिए आइए शुरू करते हैं मैं पहले मेजर खाना कार्ड आपके लिए लेना चाहूंगी द छप आपका समय बहुत अच्छा रहेगा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा जो भी ऑब्स्टेकल हैं वो आपके लाइफ से हट जाएंगे ठीक है और मैं ये कुछ ये यंग और बैलेंस वाली एनर्जी भी आपके लिए देख पा रही हूँ ठीक है आप आप अंदर से भी काफ़ी बैलेंस रहेंगे और मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहनी वैसे तो अच्छी रहनी चाहिए ठीक है बाकी कार्ड्स क्या बताते हैं वो हम देखेंगे बट पे हीलिंग भी कुछ लोगों के लिए और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ठीक है अगर हेल्थ की कोई इशू चल रहे थे तो जुलाई मंथ में आपकी हेल्थ सही रहेगी ठीक है और भी चीजें देख लेते हैं आ, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो ठीक है अपॉर्चुनिटीज छोड़ना नहीं ठीक है उसका फायदा उठाना आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कार्ड्स प्लीज कार्ड स्कॉर्पियो Page of Cups, Two of Pentacles, The Hangman, okay, The Emperor, The High Priestess, okay, Seven of Swords, Ten of Cups, okay. तो जिन लोगों ने ये सॉरी स्कॉर्पियो जिन स्कॉर्पियो आपके मैसेजेस लेते हैं आदत हो चुकी है पायल वाली बोलने की इस वजह से ये सब हाँ आपकी कोई विश फुलफिलमेंट मैं दे होते हुए देख पा रही हूँ ठीक है आपकी कोई विश फुलफ़िलमेंट और रिलेशनशिप है में तो कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है ठीक है कुछ लोगों के लिए और ऐसे भी देखा जाए तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाला है ठीक है मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आप जो काम कर रहे हो जो भी काम आपका है मतलब होता ना डेली रूटीन होता है और एक्स्ट्रा आप जैसे कुछ काम भी करते हो साथ में ठीक है तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे समय से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीजों को आप ना एक्शन नहीं ले रहे हो आप सोच जाता रहे हो शायद आप वो काम जो जो आप करने होते हैं पूरे दिन में ठीक है वो आप सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो ये ऐसा कुछ जु, जुलाई मंथ में हो, हो सकता है और शायद आपना, आ, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा चिंतन कर सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा सोच सकते हो और शायद आपके काम में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो सकता है ठीक है ये देखने को मिल रहा है बाकी मैं यही कहूंगी कि आ, थोड़ा केयरलेस हो सकते हो ठीक है आप में से कुछ लोग केयरलेस हो सकते हैं कुछ ऐसी बात है शायद जो अम्म अभी तक शायद आपसे छुपी थी लेकिन आप उसको आपको उसके बारे में पता चले ठीक है आप काफ़ी इंट्यूटिव महसूस कर सकते हो ठीक है जुलाई के मंथ में आप जो सोच रहे हो वो पूरा हो सकता है क्योंकि ये आया भी ऐसा है आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना पाओगे जुलाई के मंथ में बहुत बेहतर तरीके से और जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलता हुआ दिख रहा है ठीक है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है द एम्प्रर वाली ऊर्जा मतलब अब कोई ऐसा पर्सन जिसने खुद को जीरो से बनाया है ठीक है और ना वो बहुत इंडिपेंडेंट है ठीक वो अपने डिसीजंस खुद लेता है यहाँ तक कि वो लोगों को एक खुद एडवाइस भी देता है तो या आप ऐसे बनने वाले हो जुलाई मंथ में ठीक है ये बस एक ऊर्जा ले रहे हैं द एम्पायर की ये चाहे मेल मेल फीमेल आप जो जो भी देख रहे हो ये हो सकता है आपके लिए कुछ लोगों के लिए ऐसी शुरुआत है बट शायद आपको आप खुद को इस तरीके से पाओ ठीक है जुलाई मंथ में दूसरा अगर आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील भी कर सकते हो रिलेशनशिप में आ सकते हो आने वाले समय में ठीक है बट मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत सोच समझ के किसी रिलेशनशिप में आओगे ठीक है हो सकता है पास रिलेशनशिप इतना कुछ खास नहीं रहा है जिसके वजह से आपको थोड़ा तो सोचना पड़े किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में आने के लिए ठीक है ये भी मैं देख पा रही हूँ या तो आप शायद बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में दिमाग लगा सकते हो या आप शायद थोड़े केयरलेस हो सकते हो अपने तरफ से ये भी मैं देख पा रही हूँ ठीक है तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है यहाँ में देख रही हूँ आपको काम करने की इच्छा थोड़ी कम हो सकती है ठीक है आप सोचोगे सोचो ज्यादा दिमाग ज्यादा चलाओगे आप थोड़ा से लॉस्ट भी हो सकते हो क्योंकि आप ना मैनिफेस्ट कर रहे होगे तो ना मैनिफेस्ट जो करते हैं ना थोड़ा सा वो क्या होता है ना ऐसा होगा वैसा होगा दिमाग में चलता रहता है उसके ठीक है तो वो ना जो जरूरी काम होते हैं कभी कभी उससे मिस हो जाते हैं तो ये वाली ऊर्जा हो सकती है बट यहाँ आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो ठीक है अगर मैं एकेडमिक एक एकेडमिक एक 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 फील्ड आपका बहुत अच्छा हो सकता है ठीक है बहुत अच्छा रहेगा लेकिन अच्छा जाता रहेगा बस उसमें आपको थोड़ा केयरलेसनेस नहीं दिखानी है ठीक है आपको आप एक कोर्स कर, कर रहे हो उसके साथ एक और कोर्स शायद जुलाई मंथ में शुरू कर, कर सकते हो या कर सकते हो ठीक है ये भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ठीक न्यू जॉब ऑफर भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आता हुआ मुझे नजर आ रहा है और भी कार्ड में यहाँ लेना चाहूंगी आपके लिए जॉय एंड डिलाइट आप अपना समय एंजॉय करोगे ठीक है आपसे कहा जा रहा हो सके अपने आप को बाहर ले जाओ घुमाओ फिराओ ठीक है आप पिकनिक वगैरह पे जाओ ठीक है मैं आती हूँ मौसम ऐसा कुछ नहीं है बट ऐसा दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है खुश रहो एक हैप्पीनेस आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है आ, एनिमल्स आपके साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं एनिमल्स आपके साथ खेल सकते हैं यहाँ पर आप शायद किसी पेट को अडोप्ट भी कर सकते हो आने वाले समय में ठीक है ऐसा मैं देख पा रही हूँ लेकिन आपकी ऊर्जा ना बहुत ही अच्छी रहेगी आप बहुत इंजॉय करोगे अपने ये समय को जुलाई का मन जो भी आपको मिल रहा है ठीक है खुश रहोगे आइए देखते हैं सेक्रीफाइस ओके तो आप में से कुछ लोग कुछ सेक्रीफाइस भी कर सकते हो किसी अपने के लिए या फिर मैं देख पा रही हूं कि आप में से कुछ लोगों ने शायद कुछ अगर सेक्रीफाइस पास्ट में किया है तो उसकी, उसकी उसका उसका फल ऐसा लग रहा है आपको मिलेगा लेकिन कुछ लोगों के लिए यही है कि आप लोग जुलाई मंथ में कुछ सेक्रीफाइस करोगे लेकिन जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो ना ठीक है जैसे कि स्टडी के लिए कोई अपना अपनी जो मजा मस्ती है वो सेक्रीफाइस कर देता है ठीक है तो आप कुछ तो सेक्रीफाइस करोगे ठीक है ये कोई भी कुछ भी हो सकता है बट मैं ये बता दूं आप ना जो भी सेक्रीफाइस करो उसका फल आपको जरूर मिलेगा मतलब तो आप आप कुछ दे तो रहे हो मतलब आप नहीं चाहते थे लेकिन एक मजबूरी में होता है ना लोग सेक्रीफाइस करते नहीं अच्छा लगता लेकिन करना पड़ रहा है तो इसका एक रिवार्ड आपको मिलेगा ऐसा दिख रहा है ठीक है और ये शायद जुलाई मंथ में ही आपको मिल जाए मतलब जुलाई में आप सेक्रीफाइस भी करोगे उसका 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 रिजल्ट भी आपको मिल जाए ठीक है ना चाहते हुए भी आप कोशिश करोगे थर्ड आई चक्रा यहाँ पे ये भी आई है हाई प्रिस्सेस आई है आपके लिए थर्ड आई चक्रा इंट्यूटिव इंट्यूशन बहुत अच्छे होंगे आप में से काफी लोग कुछ स्पिरिट से भी कनेक्ट हो सकते हो ठीक है स्पिरिट जो जो एक एक तरीके से समझ लीजिए एक थर्ड आई चक्र अगर ओपन होता है आपका तो एक पावर सी आ जाती है आप वैसे वो वो ऊर्जाएं भी महसूस कर पाते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते ठीक है, है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड तो आप आगे बढ़ोगे लाइफ में किसी चीज से बाहर निकल कर ठीक है और आपसे कहा भी जा रहा है अपने कदम आगे लो हम्म और आप जो भी कदम लोगे ना बहुत सोच समझ के लोगे और जो होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा ठीक है आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं और इस समय आप सेक्रीफाइस भी कुछ करोगे ना उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा ठीक है आ, हो सकता है पास्ट में आप या फिर आपने कुछ किया है सेक्रीफाइस कुछ लोगों ने तो उसका रिवार्ड भी मैं आपके जुलाई मंथ में आता हुआ देख पा रही हूँ और आपको ना एक दिशा मिल रही है यहाँ पर जुलाई मंथ में जो कि बहुत पॉजिटिव होगी आप आगे बढ़ रहे हो ठीक और ये थर्ड आई चक्रा भी आपका ओपन हो रहा है आपको गाइडेंस मिलेगी और ये शायद ये गाइडेंस वही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी ठीक है कुछ ऐसी चीजें भी घट सकती हैं जो आपका आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे जो आपको आगे बढ़ने से रोके ठीक है ये कुछ भी हो सकता है ये आपके अंदर से भी कोई इनर फोर्स हो सकती है फिलहाल जिस तरह से आपका कार्ड आया है तो इनर फोर्स मुझे नहीं लग रही कि कोई बाहर से ऐसी चीज हो सकती है जो आपको रोके क्योंकि इनर फोर्स आपकी जैसे थर्ड आई चक्रा ओपन है ठीक है अंदर से आप खुद की खुद आ रहा है कि कोई को, को, मुझे कुछ चीज सेक्रीफाइस करनी चाहिए ठीक है तो आपकी जो आपकी ऊर्जा है वो बहुत ही अच्छी बहुत प्योर लग रही मुझे इस समय इस समय ठीक है तो जुलाई मंथ में आपकी ऊर्जा तो बहुत प्योर होगी अंदर से आप भी प्योर हो गए बट हो सकता है कोई बाहर वाली ऊर्जा ऐसी हो सकती है जो आपको रोके आगे बढ़ने से रुकावटें आती है ना लाइफ में तो वो चीजें हो सकती हैं ठीक है आइए देखते हैं वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं पहले मैं फीमेल्स की बात करूंगी आपकी जॉब लग सकती है ठीक है आपकी जॉब लग सकती है और ये भी आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आप आप अपने लाइफ में ऐसे कोई वुमेन को अट्रैक्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी जॉब कर रही हैं कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है ठीक है ये मैरिज के थ्रू भी आप हो सकता है इनसे मिलो या तो ये भी दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में आ जाए या आप ऐसे किसी पर्सन के साथ फ्रेंडशिप भी आपकी हो सकती है ठीक है और अगर फीमेल आप देख रहे हो तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फाइनेंस आपके हाथ में आ सकता है like, लाइक आप कुछ तो कर सकते हो यहाँ पे जॉब वगैरह का भी दिख रहा है मुझे अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है जैसे जॉब की तो उसे छोड़ना नहीं है कोशिश जरूर करिएगा ठीक है और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो फाइनेंस आपका डबल होते हुए दिख रहा है ठीक है एनवी आपसे जलने वाले लोग भी बहुत होंगे और शायद आपको इसका अंदाजा भी हो जाएगा ठीक है कि कौन है जो मुझसे जलते हैं कौन किस तरह के लोग हैं मेरे आसपास ठीक है कुछ ऐसे लोग हैं जो जो आपके पास से वही चाहते हैं कुछ लोग शायद आप आपकी लाइफ आपकी ही लाइफ चाहते हैं कि इसके इसका तो सही है ना तो काश मैं इसकी यार इसकी लाइफ तो अच्छी है ना काश मैं, मैं भी ऐसे ही होता मैं मैं की जगह होता ठीक है तो कुछ ऐसा भी हो सकता है या तो कोई ऐसी चीज आपके पास हो सकती है जिसको जिसको लेके भी लोग जल सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको धोखा दे ठीक है तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, है। जलते हैं आपसे लोग आपकी लाइफ में देखिए आपका कार्ड भी चैरियट का था यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज है ठीक है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके लाइफ में आ रही है बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं ठीक है तो बी रेडी और अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना नहीं है मैंने पहले भी आपसे कहा था मैंने यहाँ अपॉर्चुनिटीज की बात की है ठीक है यहाँ भी वो अपॉर्चुनिटीज की बात की है और यहाँ पे भी वही बात है ठीक है तो आपके लिए अगर कोई डोर ओपन क्लोज हो रहा है तो और डोर को एक्सप्लोर करो आपके लिए कभी भी रास्ते बंद नहीं होंगे ठीक है जुलाई मंथ में आपके लिए कुछ ऐसे डोर ओपन होंगे जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा ठीक है बट आपके लिए हो रहे हैं तो थोड़ा अपना माइंड ओपन रखिएगा वैसे तो आपका माइंड बहुत ओपन रहने वाला है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हैंगमैन बट फिर भी आपको ध्यान रखना है इन बातों का ठीक है डीप नोइंग आपका हाई हाई कार्ड प्रिस्टेस वाला यहाँ आया था तो कुछ तो नॉलेज आपकी इनहेंस होते हुए दिख रही है ठीक है कुछ अवेयरनेस या फिर कुछ ऐसी बातें आपको पता चल सकती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था और अब मैं अब अब, अब, अब जो हो रहा है वो होना जरूरी था मतलब कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं जानते हैं ना हम क्वेश्चन करते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा क्यों हो रहा है, है ना वो क्यों का आंसर शायद आपको मिल जाए ठीक है ये विजडम ये नॉलेज यहाँ आप गेन करते हुए मुझे दिख रही हो ठीक है आप में से काफी लोग मेडिटेशन भी कर सकते हो शायद कर रहे हो कुछ लोग कर रहे हैं शायद ठीक है ये कार्ड आपका बता रहा गोड अ डिस्टेंस आपसे कहा जा रहा है कि अब तो समय है कि अब आप, आप मतलब कहते नहीं है कर हर मैदान फतेह वो वाली मुझे से देख रहा है गोड अ आप अपना कुछ अचीव करने वाले हो लाइफ में ठीक है कुछ अचीव करोगे अपने लाइफ में और ना बहुत बहुत करीब हो उसकी उस चीज के ठीक है तो आपसे कहा जा रहा है अपने गोल गोल पे ही ध्यान दो अपने गोल पे ध्यान दो जो करना है नथिंग विल कम फ्रॉम दिस सिचुएशन आप में आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है अभी आप शायद इन प्रेजेंट डील कर रहे हो ठीक है तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला ठीक है कुछ नहीं मिलने वाला आप वहाँ टाइम वेस्ट करोगे अपना ठीक है तो जो जिस चीज पे फोकस करना चाहिए देखिए, आपके दोनों कार्ड ये आए हैं ये कह रहा है कि फालतू की चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है उस चीज पर करो जो आपका है यह सेक्रीफाइस का भी कार्ड है शायद आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप पाना चाहते हो लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है ठीक है आपके लिए उसको अचीव करने के लिए जो भी आपको सेक्रीफाइस करने पड़े शायद आप करोगे ठीक है और ये भी कहा जा रहा है कि आप शायद अभी उसके अलावा किसी और चीज पे ध्यान दे रहे हो जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर कोई ऐसा सोचता भी आपके लिए गलत भावनाएं रखता है एनवी वाला तो रखने दीजिए उससे आपको क्या लेना आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है ठीक है वो क्या सोचता है वो उसकी उसका काम है लाइट एक्टिवेशन शाइन योर लाइट योर इंटरनल गाइडेंस कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर ठीक है मैंने आपसे पहले कहा था आपकी सोल बहुत प्योर रहने वाली जुलाई के मंथ में और सारी जो गाइडेंस है ना वो वहीं से आ रही है सोल से आपकी ठीक है तो एक लाइट एक्टिवेशन आपके अंदर है जो लाइट एक्टिवेट हो रही है ठीक है और आपकी जो शाइन योर लाइट है ना लाइक आप ना चमकोगे जरूर आप कुछ ऐसा करोगे जो सिर्फ ये आप तक सीमित नहीं रहेगा लोगों को भी पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो आप क्या हो ठीक है और जो इंटरनल गाइडेंस है वो तो भाई ईश्वर की गाइडेंस के बराबर है तो योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप दिल से क्या चाहते हो आप खुद की बातें सुन पाओगे ठीक है तो ये शायद उसके लिए भी है मैं कहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो हैंगमैन है ठीक है तो बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ोगे और शायद खुद की सुनना चाहोगे यहाँ पर लेट गो ऑफ योर फियर जो भी डर है उसको निकाल के रख दो हटा दो एकदम ठीक है एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम तो मतलब आप ऑल टाइम सेफ और प्रोटेक्टेड हो ठीक है तो उसमें तो समय अपना समय वेस्ट ही नहीं करना ठीक है ये सोचने के बारे में और जो भी डर है ना उसको निकाल दो जो कि आपको शायद कुछ ऐसा काम करना है जो शायद अभी आप डर रहे हो लेकिन वही काम आपको करके आगे बढ़ना है ठीक है तो आपसे कहा जा रहा है जो भी डर है वो निकाल दो और आपसे कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव चीजों को लेके पॉजिटिव रहो ठीक है जो होगा बहुत ही अच्छा होगा बहुत ही बढ़िया होगा जुलाई के मंथ में बस अपना ना माइंड थोड़ा पॉजिटिव रखना क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आएंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा यहाँ पे हैंगमैन की है हैंगमैन की ऊर्जा में अगर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे और नेगेटिव थॉट्स का तो काम ही है कि वहाँ तक लगा के वो बैठ जाता है मतलब तो मैं को तो यहाँ से नहीं जाना है ना आपसे कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव आप जो भी हो जाए अपने अपने अंदर से आपको पॉजिटिव रहना है आपकी ये ये कार्ड भी देख सकते हो ये मैसेज भी आया है हाई प्री का मैसेज भी आप देख सकते हो ठीक है खुश रहना है बस एडवेंचर बहुत सारे एक्सपीरियंस आप करने वाले बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले समय में ठीक है तो ये एडवेंचर है अवेयरनेस बहुत चीजें आपको ऐसी पता चलने वाली जो आपने कभी सुनी ना हो सोची ना हो ठीक है और ये आपकी सोल गाइडेंस है ठीक है ये आपकी सोल गाइडेंस से है तो बहुत सारा नॉलेज इन्समेंट वही चीजें ना डीप नोइंग एंड अवेयरनेस वही चीज है ना आपकी तो नॉलेज ही इनहेंस हो रही है एक्सपेंशन हो रहा है आइए देखते हैं यहाँ पे स काट गो तो कुछ चीजें आपको लाइफ में लेट गो करनी चाहिए ठीक है जैसे कि हमने कहा नथिंग राय को पहाड़ बना रहे हो तो उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कुछ चीजों को लेट गो करो लाइफ को थोड़ा तो हल्का करने की कोशिश किया करो और यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन बना पा रहे हो मैं ये भी देख पा रही हूँ शायद आप बाहर वाले दूसरों की मदद भी कर सकते हो इस महीने कॉफिन एंड डिस ठीक है लेकिन वो जो लॉस्ट वाली सिचुएशन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी एंड आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आओगे और वो ये जो कॉफी ना ये भी है कि आपका जो चीज है ना वो बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है ठीक है और डिसअपेयर लॉस्ट लॉस दिखा रहा है आप लॉस्ट हो सकते हो ठीक है लेकिन आपको राह मिलेगी और ये राह ना जब तक पर्सन लॉस्ट नहीं होगा तब तक राह नहीं मिलेगी ना और ये लॉस्ट होने के बाद ही आप अंदर की गाइडेंस सुनोगे ठीक है तब आपको पता चलेगा आपको क्या करना है कहाँ आगे बढ़ना है ये लॉस्ट होना भी जरूरी हो है लाइफ में लॉस्ट नहीं होंगे तो फिर गाइडेंस नहीं मिलेगी जिसको पता है कहाँ जाना है तो वो लॉस्ट ही नहीं होगा और गाइडेंस तो के लिए कभी अपने अंदर झाकेगा ही नहीं बट अब आपको जरूरत पड़ेगी और आपको फिर वो जो लॉस्ट वाला वो जो uh, मजबूरी वाला समय है ना वो खत्म होगा आपका ठीक है ये भी मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है चलिए आइए देख लेते हैं और भी कुछ मैसेज आपके लिए hmm. both मनी आर प्रॉपर्टी थ्रू an इनहेरिटेंस विनिंग आर विन फॉल तो कहीं ना कहीं से पैसे मिल रहा है चाहे वो आपके परिवार के थ्रू या प्रॉपर्टी के थ्रू मिल रहा हो चाहे आप कुछ जीत जाए या तो ईश्वर मेहरबान कहते हैं है ना तो सक्सेस ए श्योर विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क ठीक है सक्सेस आपके लाइफ में है अगर अच्छे प्लान्स बनाओगे और मेहनत करोगे तो मिलेगी plenty ऑफ material थिंग्स भाई अब क्या सुनना है और सब कुछ तो मिल रहा है आपको ये एक अबंडेंस भी है आपके लाइफ में रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी तो रोमांस भी आ रहा है सेलिब्रेशन भी हो सकता है आप कोई सेलिब्रेशन में जाओ कोई पार्टी में जाओ ठीक है और कोई रोमांटिक पार्टनर से भी मिल सकते हो जुलाई मंथ में और अगर ऑलरेडी आप जानते हो तो आपको मौका मिलेगा उनके साथ रोमांस करने का ठीक है ये कार्ड गिर गए थे चलिए देख लेते हैं वैली डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस डेट आज श्योर सक्सेस तो पहले अंदर एक पर्सनल जो डीप पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस अगर आपको अंदर से आप ताकतवर महसूस नहीं करोगे खुद को तो आपको वो बाहर जो सक्सेस जिसके चीज के पीछे आप भाग रहे हो, वो कैसे मिलेगी और आपके लिए यहाँ पे है गो द डिस्टेंस मतलब उस चीज को पाओ ठीक है उसके लिए मेहनत करो एफर्ट्स करो आ, यहाँ पे भी वही कहा गया है गुड प्लानर हार्डवर्क आपको वहाँ तक लेके जाएगा क्लाउड टेम्प्रेरी प्रॉब्लम देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना वो टेम्प्रेरी ही है कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती और ये जो नथिंग विल कम फ्रॉम दिस सिचुएशन है ये भी वही कहना चाहता है ठीक है ये थोड़े समय की बात है बादल जो है वो छट जाएंगे ठीक है डॉल्फिन फाइनेंशियल गेन मैं ये फाइनेंस का बहुत अच्छा देख पा रही हूँ आपके लिए और हमने देखा भी था वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन राइट फाइनेंशियल गेन यूजअली कमिंग यू डिड इन दास्ट पास में आपने कोई अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है ड्रैगन बी अवेयर ऑफ सर्फ रिलीजन मैंने पहले कहा था यहां कोई खुद को कम ना समझे ठीक है कम ना समझे खुद को

सॉरी रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस तो आपको ना जो भी आप शुरू करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो ईश्वर जैसे लग रहा है आपके पे मेहरबान रहेगा आपका काम ना बनाएगा ठीक है आपके पास सारे रिसोर्सेस होंगे इसके डिसअपॉइंटमेंट इन समेयर कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है ठीक है हर चीज तो लाइफ में नहीं मिलती है ना ठीक है तो ये हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और आपको फेलियर भी देखने मिल सकता है बट उस फेलियर से ना डरना नहीं है क्योंकि आपके लिए है गो द डिस्टेंस अगर कुछ कोई फेलियर fail, भी देख रहे हो ठीक है लॉस्ट हो गए ना तभी तो आपको राह मिलेगी तो ना गिव अप नहीं करना है यहाँ पर ये कहा जा रहा है ठीक है सम वन वर्किंग अगेंस्ट योर बिहाइंड योर बैक हाँ ये तो है यहाँ पे हमने एनवी का, का कार्ड देखा ही था ठीक है तो कुछ लोग हो सकते हैं बट आपको ना इन सब बातों की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए और वही कह रहे हैं ना आपसे कि आप बस फोकस रहो आपको क्या चाहिए ठीक है बाकी जो जिसको जो करना है आप करने दीजिए ठीक है तो ये थी आपके लिए रीडिंग आ, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग